हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है 5 प्रोडक्ट दैट आई रिग्रेट बाइंग। सो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर टीनेजर या फिर हर जो बिगनर है देख के ले लेंगे, क्योंकि ये सस्ते भी हैं एंड अच्छे ब्रांड से भी हैं। सो हम बात करने वाले हैं 5 प्रोडक्ट के बारे में जो कि मुझे खरीदने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ है एंड मैंने इसे यूज़ भी किया है मेरे वीडियोस में। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट मैंने यूज़ किया है बट मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं इसे यूज़ करने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। सो या इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लाइन वाइज जाएंगे, लाइक मैंने कौन सी प्रोडक्ट पहले खरीदी थी उस वाइज जाएंगे एंड हम बात करेंगे। लाइक मैंने वेट एंड वाइल्ड का खरीदा है तो मैं वेट एंड वाइल्ड का पहले दिखाऊंगी, देन मैंने बाद में वो खरीदा तो बाद में दिखाऊंगी। तो जो पहला प्रोडक्ट था एंड मैंने खरीदा था वो है ये वेट एंड वाइल्ड का कवर ऑल कंसीलर पैलेट। सो ये एक्चुअली है समथिंग अराउंड, ये है 450 का। सो ये एक्चुअली ना इसमें चार दिए हुए हैं, चार पैलेट बनाए हुए हैं। एक जो है वो मेरे स्किन टोन से मैच होता हुआ है, एक जो है वो काफ़ी पिंक टोन में है एंड एक जो है उससे मैं अपने जो पिंपल्स वगैरह है वो हाइड कर सकती हूँ, और एक जो है वो हाइलाइटर है। सो इसे मैंने ना अपने YouTube जर्नी के स्टार्टिंग में काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, काफ़ी दफ़ा यानी कि 2 या 3 बार यूज़ किया है। पहले मैंने इसे एक बार ट्राई किया तो मुझे लगा शायद मैं इसे अच्छे से यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैंने 2-3 बार जब इसे कंटिन्यूस यूज़ किया तो मुझे बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगा। बट बात करें इसके हाइलाइटर की, ये थोड़ा अच्छा है, लाइक इसका हाइलाइटर ही अच्छा है, बट इतना शिमर इतना सिल्वर कलर का हाइलाइटर बहुत ही वियर्ड सा लगेगा अगर आप इसे पहनोगे तो अपने स्किन के ऊपर आप देख सकते हो, बट इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है। बाकी ये जो तीनों भी शेड हैं हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए, बिल्कुल भी वेस्ट है, लाइक बिल्कुल भी हाइड नहीं करते। कंसीलर अगर आप ये वाला अप्लाई करते हो तो बिल्कुल भी कवर नहीं करता है, तो मुझे ये बिल्कुल भी बहुत नहीं लगा। लाइक 450 में आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप क्राइलोन वाले सेक्शन में जाओगे, लाइक क्राइलोन के प्रोडक्ट्स में जाओगे तो आपको 450 में बहुत अच्छा सर्कल पैलेट मिल जाता है उतने में। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक स्विस ब्यूटी के हैं, उनके भी जो कंसीलर्स वगैरह है इस पैलेट काइंड ऑफ के बहुत अच्छे हैं। सो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं इसे क्या करूँ, इसका क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे वैनिटी में। सो जो सेकेंड प्रोडक्ट है मैंने परचेज किया था वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन। सो इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। वैसे मैंने इसे बहुत टाइम पहले खरीदा था, लाइक आज से 7 या 8 महीने पहले खरीदा था एंड मैं इसे खरीद कर बिल्कुल भी भूल गई थी, क्योंकि इस काइंड ऑफ का फाउंडेशन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया लाइक ट्यूब वाला। सो मेरा इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं गया। सो एक दिन जस्ट मैं अपने वैनिटी से गो थ्रू हो रही थी, लाइक क्या चीज़ है जो मैं यूज़ नहीं कर रही, तो मुझे ये मिला, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में मुझे पोस्ट करना है तो पोस्ट कर देते। सो ये जो प्रोडक्ट है ये भी बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक बिल्कुल भी कवरेज नहीं है इसका। लाइक जो टिंटेड मॉइस्चराइज़र होते हैं ना हल्के से, उससे भी बेकार इसका कवरेज है, लाइक मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ये मेरे को समथिंग अराउंड ये 75 रुपीज़ का है, बट प्राइस वाइज भी बहुत सारे ऐसे बीबी सीसी क्रीम मिलते हैं 75 रुपीज़ में, जिनके कवरेज बहुत अच्छे होते हैं डेली यूज़ के लिए ना, आपसे उससे अच्छा मेकअप भी कर सकते हो, बट दिस इज़ समथिंग 75 रुपीज़ का भले ही कम प्राइस है बट बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई ये बनाया है, मेरे को समझ में ही नहीं आया इसे यूज़ करने के बाद। मैंने इसे बस एक बार ही यूज़ किया, उसके बाद मैंने बोला नहीं मुझे नहीं यूज़ करना, मतलब क्या फ़ायदा प्रोडक्ट को अप्लाई करके अगर आपके स्किन पे बिल्कुल भी कवरेज या उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट आई एक्चुअली फील लाइक दिस इज़ नॉट वर्थी, इसे बंद ही कर देना चाहिए आई गेस। एंड आई डोंट थिंक सो कि लोगों के लिए भी ये वर्क करता होगा, मैंने तो बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे भी इसके ऊपर, तो इसका जो रिव्यू है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एंड पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो जो थर्ड प्रोडक्ट है अगेन वेट एंड वाइल्ड का है। सो ये है वेट एंड वाइल्ड का ओम्ब्रे कलर आइकॉनिक ओम्ब्रे ब्लश फाट ओम्ब्रे। सो ये है इन द शेड ऑफ माई ताई बाय यू अ ड्रिंक।
मेटाई बायो ड्रिंक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट ये भी बिल्कुल वर्थलेस है. ये थोड़ा सा टूट गया है सो मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ. ओपन करूँगी तो पूरा गिर जाएगा, बट मैं आपको इसका जो शेड है वो दिखाती हूँ. सो यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये इस तरह का है कुछ, एंड ये इस तरह का है. तो आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा हो. इसे अप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस एक हल्का सा ग्लो आता है जो कि हाइलाइटर भी आप लोग को दे सकता है. सो इसका प्राइस आई डोंट थिंक सो इस पर मेंशन है, आई गेस वो कार्ड पे मेंशन था. सो मैं आपको कॉर्नर में प्रोवाइड कर दूंगी इसका जो प्राइस है वो. सो ये बिल्कुल भी यू नो वर्थ नहीं है. सो ये ब्लश है तो इसको थोड़ा सा पिगमेंटेड होना चाहिए, सो दैट जब अपने चिक्स पे आप अप्लाई करोगे तो इसका जो यू नो कलर पे ऑफ है वो अच्छा आना चाहिए. तो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सा यू नो एक शिमर अप्लाई करते हो लाइक अपने स्किन पे आप, वैसा इफेक्ट देता है ये आपको. सो आई गेस इसमें दो या तीन शेड और रहेंगे, बट मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड इसके भी रिव्यूज अच्छे नहीं है, लाइक ये वेस्ट प्रोडक्ट है. अगर आप सोच रहे हो इसे परचेज करना, लाइक यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं ये सारे प्रोडक्ट्स यू नो बिगनर्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं या जो नया मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूली यू नो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उन सब के नज़र में ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं. लाइक सस्ते भी होते हैं, प्लस यू नो अच्छे ब्रांड के भी होते हैं. तो अच्छे ब्रांड होने से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है. सो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है क्योंकि इसमें कलर पे ऑफ बिल्कुल भी नहीं है. बाकी अगर आप एज अ हाइलाइटर अप्लाई करना चाहते हो तो इट्स क्वाइट गुड, बट एज अ ब्लश इट इज नॉट गुड. सो जो फोर्थ प्रोडक्ट है, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, वो है मामा अर्थ का क्रीम. सो ये बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम है. सो बेसिकली ये जो क्रीम है मैंने मेरी मम्मी जी के लिए मंगाया था. सो इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, आई टेल यू क्लियरली कोई भी फायदा नहीं हुआ. लाइक एक स्किन का इवन टोन होना तक भी नहीं हुआ. ये जस्ट स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज करता है, लाइक जैसे नॉर्मली जो क्रीम अगर आप अप्लाई करोगे तो वो मॉइस्चराइज करेगा, तो क्रीम का तो काम ही होता है मॉइस्चराइज करना. जब मामा अर्थ यू नो ब्रांड आया था, सो जो कंटेंट क्रिएटर्स है सारे बस मामा अर्थ का करते थे. कुछ तो यू नो पीआर जो फ्री में प्रोडक्ट आते हैं तो उनके वजह से इसके बारे में अच्छा रिव्यू देते, बट पर्सनली आई बिलीव this doesn't work for everyone. Like this is very अजीब सा क्रीम, आई डोंट नो. बस इसका स्मेल थोड़ा अच्छा है एंड ये मॉइस्चराइज करता है. लाइक अगर आपके पास ये है, आपका भी काम नहीं कर रहा आपके फेस पे, तो आप इसका यूज एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, लाइक बिफोर मेकअप एज अ मॉइस्चराइजर. ये आपके स्किन को अच्छा हाइड्रेट रखता है, बट जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है बाय बाय ब्लेमिश, तो आपके स्किन पे जो भी स्पॉट्स वगैरह उसको क्लियर करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मैंने भी यूज किया है, लाइक जब मेरी मम्मी जी ने कहा कि मुझे कोई भी असर नहीं दिख रहा, इवन तो उनके स्किन पे हल्की हल्की यू नो फोड़ियाँ भी आ रही थी, एंड मैंने मेरी मम्मी को भी सजेस्ट किया था, लाइक मेरी जो मम्मी है उनको भी सजेस्ट किया था. सो उनके भी फेस में थोड़ी थोड़ी फोड़ियाँ आने लगी थी, छोटी छोटी जो एकदम हल्की हल्की होती है ना गर्मी के टाइम पे बहुत लोगों का है वैसा टाइप का, सो आने लगा था. तो मैंने दोनों को भी कहा था बंद कर दो. सो मैंने इसे ट्राई करना चालू किया तो मेरे फेस पर तो कोई फोड़ी नहीं आई, बट मुझे कोई भी यू नो डिफरेंस नहीं दिखा. लाइक मेरा क्या है, मैं स्किन केयर फॉलो नहीं करती, बट मैं एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए फॉलो करती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ. सो मैंने इसे एक डेढ़ हफ्ता यूज़ किया तो मुझे कोई भी मैं सिंगल सा परसेंट भी मुझे कोई भी असर नहीं दिखा. तो ये भी जो प्रोडक्ट का परचेस है मेरे लिए तो बिल्कुल वर्थ नहीं है. मे बी बहुत लोगों के लिए काम करता रहेगा और बहुत लोगों के लिए नहीं, बट मेरे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं. सो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एसक्यू का. सो इसका मैंने वीडियो बनाया था, लाइक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टे क्वर्की. सो ये जो मैंने यूज़ किया था उसमें मैंने कहा भी था इसका कवरेज कुछ खास नहीं है, लाइक पूरा ट्रांसपेरेंसी है इसमें. लाइक ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है बट उसका काम बिल्कुल नहीं करता. लाइक अगर आपने अपना फेस पे से अप्लाई किया है तो जो लूज पाउडर एक्चुअली काम करते हैं, लाइक जो कवरेज देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देता. आई डोंट नो व्हाई इसमें क्या कमी है, बट ये बिल्कुल भी नहीं देता. तो मुझे उसके बाद से आई डोंट थिंक सो आपने किसी वीडियो में मुझे इसे यूज़ करते हुए देखा होगा, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसका क्या एंड किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ. लेट्स सी आगे मे बी मैं इसे यूज़ करूँ, बट फिलहाल तो मुझे ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगा. लाइक ये आई गेस कुछ 200 में आया था, आई डोंट नो, क्योंकि इसके ऊपर अगेन प्राइस नहीं दिया हुआ है. जो प्राइस था वो कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ था इसकी जो पैकेजिंग थी उसके ऊपर.
सो ओवरऑल ये सारे 5 प्रोडक्ट है फिलहाल जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है. ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप. एंड इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो लाइक दिस लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई लव टू शेयर विद यू. सो या आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बिफोर मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग.